नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां ऊर्जा मंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में ओटीएस योजना लागू की गई है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाया और राशि जमा करने का ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। वही ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि ओटीएस योजना में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में प्रावधान है। अगर वो तत्काल कनेक्शन लेते हैं तो बिजली चोरी में उन पर लगे जुर्माने में भी छूट दी जाएगी। इसी तरह व्यापारियों को भी लगाए गए पेनल्टी में बड़ी राहत दी जाएगी। कारण है, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले दिनों हमने जो राजस्व बढ़ाने का काम किया, जो तकनीकी और वाणिज्य हानियां घटाने का काम किया, उसके चलते हमारे विद्युत तंत्र की, विद्युत व्यवस्था की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। उसका लाभ हम राज्य के उपभोक्ताओं को देने के लिए उत्सुक थे। कई सप्ताह से मेरा आग्रह था कि हमारे विभाग काम करें और चेयरमैन MD हमारे ACS ने मिलकर के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तेलू इसका पूरा चार तीन दिन बाद की घोषणा इसलिए हो रही है कि इसकी IT का जो सिस्टम होता है। खबर कन्नौज से है, जहां तीरवा में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वह इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जब तक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश समाज में बेहतरी नहीं आएगी, सोच नहीं पैदा होगी। जहाँ शिक्षा है वहाँ सोच पैदा है। हम लोगों का मानना है कि इस देश में जो व्यवस्था शिक्षा की, दो तरह है, अमीर का बेटा प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर। एक समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री शिक्षा। आज इस देश में जो DM, SP, DIG, IG, DGP, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आज उसके बेटे को आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण इसीलिए बना है, जो गरीब कमजोर है उसको ऊपर उठाने की व्यवस्था है। ऐसे लोगों को किनारे किया जाए, जो आरक्षण के दायरे में आ गए उसका लाभ ले लिए, उनको बाहर निकाला जाए। ये हम लोगों की पार्टी का मानना है। आज जो गरीब कमजोर, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो देश में गरीबों का इलाज फ्री यहाँ भी होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम लोग अब देवरिया से खबर है, जहां रुद्रपुर के ग्राम बेलाकुंडा में 15 वर्षीय कृष्णा चौहान की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें अभी तक पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन वही चौहान समाज के दर्जनों पदाधिकारी ने मृतक के परिजनों के साथ देवरिया शहर के सुभाष चौक पर 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वही सपा के जिलाध्यक्ष व्यास यादव, हृदय नारायण जायसवाल भी चौहान समाज के समर्थन में उतर गए और पुलिस के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। इसके साथ ही जन जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये अनशन आज देवरिया जनपद में चल रहा है, कल को पूरे प्रदेश पर सभी चौहान समाज के लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा बलिया से चलकर आए पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान ने कहा कि प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर चुकी है, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम सभी आंदोलन पर बाध्य होंगे। रुद्रपुर के बेलकुंडा में जो कृष्णा चौहान की हत्या हुई थी, आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है और तमाम समाज के लोग यहां पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। और ये बलिया से चलकर आए पूर्व विधायक जो रह चुके हैं उनसे भी जानेंगे, जो समाज चौहान के काफी अच्छे पदाधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं शिवशंकर चौहान, राष्ट्रीय रवि चौहान मासवाली एवं पूर्व विधायक BJP बलिया। क्या मांगे आप लोग? मांग नहीं भाई साहब, हम तो कल कार्यक्रम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे मेरी विधानसभा, बाद में जब कार्यक्रम खत्म हुआ मोबाइल खोला था, कांड मुझे दिखाई दिया। इसके बाद रात में करीब 7 बजे मैं आपके कप्तान के टेलीफोन किया कि जाने की क्या मामला है। तो कप्तान साहब तो कहीं थे, उनके PRO उठाए,
मैंने कहा भाई साहब क्या मामला है, कैसे कैसे सुन रहा हूँ, जो चल रहा है विजुअल। तो उन्होंने कहा कि एक मामला हुआ था पहले चरखानी का, उसका मुकदमा मैं लिख चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ है, लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तो पता चलेगा। तो मैंने कहा जो खुला जो मैं सुन रहा हूँ कि खुला मारपीट की गई उस बच्चे के साथ, उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये पता चला कि पुलिस ले जा करके जो मोबाइल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है पिकअप ला रही है लकड़ी अपने उस पर लाद रही जलाने के लिए, और पोस्टमार्टम के लिए घर के बड़े बच्चों को ले जा करके, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस लेके साथ जाती है और ले जाके पोस्टमार्टम करा के लकड़ी अपने ले जा करके वो शमशान घाट पर फूकने का काम करती है। तो मैं कहा उस अधिकारी से कि भाई ये तो हाथरस की कांड याद दिला रहा है, ये तो हाथरस जैसा कांड हो गया। तो हाथरस तो दूर था, मैं सुना था, लेकिन देवरिया कल मैं जा रहा हूँ। हाथरस के कांड तो काफी निंदनीय कांड है, उस पर हम नहीं बहस कर सकते। ना, तो उसी टाइप का कांड है जहाँ पुलिस जो है लकड़ी ले जा रही है, लाश को जला रही है रात के अंधेरे में, ये हाथरस कांड नहीं है तो क्या कांड है भाई? ये जो मिर्जा की बहन है उसका कहना है कि मैंने कई बार उस अधिकारियों से इसकी शिकायत की, आने पर भी शिकायत की, अगर सुनवाई हो गई रहती तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये कांड जुलाई का है, आप जान सकते हैं कि ये कांड जुलाई का है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, पर प्रशासन की तरफ से बिल्कुल लापरवाही है। मैं निंदा करती हूँ ऐसे प्रशासन की, ऐसे सरकार की, सरकार मैं योगी जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप कब तक ऐसे प्रशासन की, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इनको वो हक नहीं है जो हमारे साथ करते। यही बताइए, एक बच्चा मर भी जाता है उसकी लाश को छूने तक नहीं देते हैं, माँ को देखने तक नहीं देते हैं, और अपने लकड़ी इकट्ठा करके गाड़ी में ले आके लाश को फूंक देते हैं, ये कब तक चलेगा? कल मेरे साथ भी हो सकता है। प्रशासन को क्या डर था कि जो ऐसा किया? प्रशासन बिल्कुल, मैं कहती पूरी गलती प्रशासन की, प्रशासन मिली हुई है, विपक्ष नाकाम है बिल्कुल, और वो मिली हुई है, और वो अपनी कहेंगे वो लोग पैसे लेके अपने सारे अपने पॉकेट भर रहे हैं, और किसी समझा और किसी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए उनसे उन्हें कुछ मतलब नहीं है। पूरा का पूरा प्रशासन मतलब की भ्रष्ट हो गई है। मैं भ्रष्ट प्रशासन के तरफ से आवाज उठाती हूँ और निवेदन करती हूँ माननीय योगी जी से कि आप जागिए और हमारी महिलाओं की रक्षा कब तक नहीं होगी? आज घर से निकाला जा रहा, पता नहीं हम लोग घर से निकल भी पाएंगे कि नहीं, और हम लोग समाज में अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब बलिया से चलकर आए हैं लोग, चौहान समाज के लोग हैं, लोग जो काफी रोज देखने को मिल रहा है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें भूमिका संदिग्ध है। यह आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है जो लगातार जारी है, और यहाँ कई जगह से लोग यहाँ आकर सहानुभूति भी व्यतीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जवाब यह है कि बच्चे का दाह संस्कार पुलिस प्रशासन ने क्यों किया? आखिरकार यह जवाब मांगने के लिए यहाँ तरह तरह की पार्टियों के लोग आ रहे हैं और अपनी जवाब दे ही दे रहे हैं। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत। ताजनगरी आगरा के जिला जेल में बंद 7 कैदियों की सजा पूरी हो गई है। 7 कैदियों के पास इतने भी रुपए नहीं थे कि अर्थदंड भर के रिहाई ले पाते। सजा पूरी होने के बाद भी ये सलाखों के पीछे थे। शनिवार को जिला जेल से 7 कैदियों को रिहा किया गया जिनके पास अर्थदंड भरने के संसाधन और अपने ही नहीं थे। 7ों को रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा अर्थदंड भर रिहा करवाया गया है। सर 379,411 में किस तरीके से आपको पैरवी नहीं कर रहा था परिवार वाला या क्या? सर परिवार वाले तो है लेकिन नहीं कर रहे थे, पता नहीं पैरवी नहीं आने दे रहे। मुलाकात करने नहीं आए थे, एक बार मुलाकात आई थी। ये पहला ही मुकदमा था और नहीं? पहले ही मुकदमा। तो जुर्माने के लिए पैसे नहीं थे आपके परिवार वालों? तो सर पता नहीं, मुलाकात नहीं आई तो हमें इतना भी मालूम नहीं था कि है क्या नहीं है व्यवस्था। परिवार गरीब परिवार से। कैसा लग रहा है आज? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मिड टाउन के सौजन्य से और समाज सेवियों के सौजन्य से हम लोगों ने 7 बंदियों को जो अर्थदंड जमा करने के कारण जेल में निरुद्ध थे उनका कुल अर्थदंड 52,340 रुपये है, उसको आज हम लोगों ने जमा करा करके 7 बंदियों को रिहा करने का कार्य किया जा रहा है। खबर कानपुर देहात से है जहां अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला थाना गजनेर क्षेत्र के गांव शेरपुर तरौदा का है जहां माफियाओं ने जबरन किसान के खेत में अवैध खनन कर मिट्टी खोद बेच दी और खनन रोकने गए किसान को खनन माफियाओं ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं घायल किसान के परिजनों ने उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। खनन
मेरा नाम है आसान सिंह। अच्छा, कहाँ से आए? शेरपुर तरंदा। क्या हुआ इनको, इतनी गंभीर हालत में इनको लेके आए ये अस्पताल? इनको काना में वो नंगापुर का एक आदमी था, तो उसने काना इनको इतना मारा बुरी तरह, कुछ कायक नहीं इनको। किस भी मारा? इनके खेत से माटी उठा रहा था। खनन माफिया? हाँ, खनन माफिया है। तो अच्छा, जबरिया माटी उठा लिया और उनको भी मारा। और बाद में हमको भी मालूम हुआ, सर हमने उठाया, उसको उठा के लाए वहाँ से। इसके लिए संबंधित थाने में गए थे, शिकायत किया? थाने में भी हम गए थे। अच्छा। वहाँ मेरी पूरी सहायता की। अच्छा। मगर वो एक गार्ड आया था, उसने का नाम कागज़ नहीं दिया ना भर्ती किया। जब कागज़ उसने दिया नहीं तो भर्ती भी नहीं उन्होंने किया ना। अच्छा, क्या हुआ इनको जो इतनी गंभीर हालत में ये बैठे हैं? जी सर, हमारे खेत से मिट्टी उठवा रहे थे, नंगापुर के मतलब चुन्नी नाम के एक आदमी है। अच्छा। वो मिट्टी उठवा रहे थे रात में, तो सर बहुत सारी मिट्टी 100-150 डंपर निकलवा ली है। तो सुबह हमें पता चला, तो हमने मतलब वहाँ खेत में देखने गए ये, तो सर वहाँ पे कोई था नहीं। तो हमारे मतलब छोटे भाई ने कहा कि वीडियो बना के थाने में जाके इसको अप्लीकेशन लगा दो सर। तो वहीं खेत में वीडियो बनाने गए, तो वहीं पर उसने बहुत मारा इनको, ये हालत कर दी है। खनन माफियाओं ने जबरिया मिट्टी आपके खेत से उठा जी सर। हाँ हाँ, उनका एक का नाम पता है, चुन्नी लाल नाम है। रायबरेली जिला जेल परिसर में जानवरों की तरह फाइबर स्टिक से पीटे गए सिपाही का परिवार कारागार मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गया। सिपाही की पत्नी का आरोप है कि घटना में शामिल रहे सिपाहियों से जेल प्रशासन की मिलीभगत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिटाई करने वाले सिपाहियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित किए जाने के बावजूद उनसे रायबरेली जेल का आवास खाली नहीं कराया गया है। आरोपी सिपाहियों का परिवार इनमें रहते हुए उनकी बेटी पर फप्तियां कसता है। वही पीड़ित सिपाही की पत्नी का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर यहां से स्थानांतरित हुए सिपाहियों के परिवार से आवास नहीं खाली कराया गया तो वो परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगी। जेल पे घटना हुई थी, हमारे पति को पीटा गया था। क्या नाम था आपका? मुकेश कुमार दुबे। किन किन लोगों ने पीटा था? विजय सिंह, परवेश सिंह, सौरभ वर्मा, जसवंत तोमर, राजीव शुक्ला। उसके बाद ये लोग हमारे पति को पीटे थे। इन लोगों का आवास अभी भी नहीं खाली कराया जा रहा है, यहाँ पे कोई हमारे कार्यवाही नहीं की गई। आरोपी सिपाही तो सस्पेंड हुए थे 3 महीने के लिए, लोग सस्पेंड हुए थे। इनसे भी नॉर्मल मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं बहाल हुए, इन लोगों को बहाली हो गई है। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में आरोपियों को पकड़ने गए दारोगा ने महिला के पेट पर लात मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में भर्ती महिला ने तहसील दिवस में पहुंचकर थाने में तैनात दारोगा के खिलाफ सदर CO से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे ब्रिजवासी के पूर्वा गांव का है, जहां दो भाई राजकुमार यादव और रमेश कुमार के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका अभी भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वही विपक्षी राजकुमार यादव ने अपने परिवार के आधा दर्जन सदस्यों के साथ मिलकर रमेश कुमार और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वही मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने रमेश कुमार की बहू उषा यादव, पत्नी रूपेश यादव के घर में घुसकर लात जूतों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे रमेश कुमार की बहू उषा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस की पिटाई से घायल महिला उषा देवी ने तहसील दिवस में पहुंचकर CO City अमित सिंह से मील एरिया थाने में तैनात दारोगा हिमांशु मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर, ये हमारी जमीन के विवाद चल रहा था लड़ाई, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस के सामने हम सुभाष सब पूरे उनके घर के लाठी चलाने का वो कर लिया। दो लोग थे जिन्होंने मारा, सुभाष और चंद्रभान, सूरज और उनकी सारी बिटिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस हमारे घर में घुस गई और फिर हम कह रहे हमारे आदमी नहीं है, हमारे घर में मत घुसो, तो वो हमारे आंत का ऑपरेशन है, हमारे पेट में बहुत तेज से लात मारा। किसने मारा? क्या नाम? मानसु मलिक। मानसु मलिक कौन है? ये थाने के दरोगा हैं। सप्तन किया है, कोई नहीं सुन रहा है। मलेरिया में पूरे ब्रिजवासी का पूर्व एक गांव पड़ता है, जहाँ के रहने वाले एक महिला ने और उसके परिवार के ही जनों के बीच में जमीनी विवाद चल रहा है,
उसने ये आरोप लगाया है कि कल जो है पुलिस उसके घर गई है और उसको और उसके घर वालों को मारा पीटा है, जिसके संबंध में उसने एक अपनी जो है तहरीर दी है जिसकी जांच करवाई जा रही है। अगर संबंधित में कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। खबर संभल से है जहां ईंट भट्टों से ट्रैक्टर चोरी होने के बाद पुलिस महकमे को बड़ी कामयाबी मिली है। दो छात्र चोरों को गिरफ्तार कर उनके ट्रैक्टर बरामद किए गए। वही बरामद कर ट्रैक्टर भट्टा स्वामियों को सौंपने के बाद थाना अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है। पुलिस की इस कामयाबी से क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। पूरा मामला बबैना स्थित दो ईंट भट्टों का है। अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आरएलडी के आला पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। वही इस दौरान पदाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद भीमा राजा को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको लेकर भीमा राजा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पार्टी के वर्चस्व को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य होगा। युवा जिला अध्यक्ष में प्रेस वार्ता की गई। चौधरी जयंत जी द्वारा, मेरे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल जी के द्वारा, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष हमारे उमेश चौधरी द्वारा मुझे युवा जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। मैं अपने साथ जिले के सभी युवाओं को लेकर बहुत अच्छी तरीके से काम करूंगा और पूरे प्रदेश में अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अपना दल कमेरावादी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी कि आईजीपी के जुपिटर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल रहे। अपना दल कमेरावादी ने स्थापना दिवस के मौके पर शहर के कई चौराहों पर कटआउट और झंडे लगाए थे, साथ ही जगह जगह होर्डिंग्स भी लगाई गई। दिवस डॉक्टर सोहनलाल पटेल जी ने 4 नवंबर 1995 को इस देश के दबे कुचले समाज, अपमानित समाज, कमेरा समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए गठन किया था और आज अपना दल कमेरावादी कहानी 29वां स्थापना दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। साल 1995 आज के ही दिन सोनेलाल पटेल ने एक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का उद्देश्य दलित वंचित शोषितों की रक्षा करना था। बात की जाए तो 4 नवंबर 1995 को अपना दल की स्थापना की गई और आज अपना दल जो है वो दो गुटों में बंट चुकी है। अपना दल कमेरावादी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं, और बात की जाए तो अपना दल एस जिसकी राष्ट्रीय अनुप्रिया पटेल हैं। माँ और बेटी अलग अलग राजनीतिक दलों से अब अपनी अपनी समाज की जो है आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 29वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी के तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में किस तरीके से अपना दल जो है वो अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेगी, इस पर जो है वो देखने वाली बात होगी। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से अपना दल एस और अपना दल के कुर्मी समाजों के वोटों को लोकसभा चुनाव में अपने अपने गठबंधन से साझा करती है, ये बड़ी बात होगी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो बात की जाए तो आज 29वां स्थापना दिवस है अपना दल कमेरावादी की। आप बनारस से आए हैं, आपने मांग की कि पल्लवी पटेल को बनारस से जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। जी निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता की एक भावनाएं हैं और देखिए हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं सिराथू से, हम फाइनल जीतने जा रहे हैं और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ही नरेंद्र मोदी जी के लूट के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और क्रूरता के खिलाफ झांसी की रानी बन करके लड़ेंगी और जीतेंगी। अनुप्रिया पटेल ने भी आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पे बड़े जो है वो आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके जो नेता हैं वो सुनीला पटेल के संघर्षों को नहीं जानते हैं। बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि सुनीला पटेल की जो पुत्री हैं पल्लवी पटेल, उनको सपा ने अपने सिंबल पर लड़ाया जबकि अपना दल के सिंबल पर नहीं लड़ाया, तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए। अनुप्रिया जी बहन है हमारी, लेकिन एक शिकायत उनसे यह है कि पहले वो अपने आत्मा को कैसे शुद्ध करेंगी, अपने पापा के कातिलों के साथ जा कर के राजनैतिक लालच में सामंतवादियों के यहाँ माथा टेकती हैं और मिशन, जिस मिशन से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने पार्टी का स्थापना किया कमेरावादियों के लिए, गरीब गुरबों और बुनकरों के लिए, उस मिशन को उन्होंने बेचा और जा कर के वहाँ
अमित शाह और मोदी के यहाँ माथा टेका, ये सोनेलाल जी का डीएनए नहीं है। असली डीएनए क्रांतिकारी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, राजमाता जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, पंकज निरंजन जी हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे सारे सीनियर्स लीडर, इनकी आंखों में एक आशा है, एक विश्वास है। और ये 29वां जो हमारा स्थापना दिवस है, ये जवानी के दहलीज पर है और हम नए तूफान के साथ सन 2024 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने पर मजबूर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल भी उत्तर प्रदेश में अलायंस में है, अपना दल का मेरावादी भी अलायंस में है। पहले ही सपा ने 65 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या लगता है अपना दल के को कितनी सीटें जो है लोकसभा चुनाव में? देखिए, राजमाता कृष्णा पटेल जी, बहन पल्लवी पटेल जी और पंकज निरंजन जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और उनका जो निर्देश होगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय आएगा, उस पर हम कार्यकर्ता जो है लड़ेंगे। हमारा ये एक मामला है, हम महंगाई, बेरोजगारी, रोटी बेटी और खेती के सवाल पर जम के लड़ना चाहते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो भूख है, जो तड़प है, जो दर्द है, उसको समाजवादी और कमेरावादी मिल करके ही पूरा कर पाएंगे। और उसको अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के लोग जो भी लफाजेबाजी कर रहे हैं, जो भी वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे सर। और आपके आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि हवा बदल रहा है, सत्ता बदल रहा है। आपके साथ ही कह रहे हैं हवा बदल रही है, सत्ता बदल रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? नहीं, हम इनकी बात को हम सहमत हैं। सहमत हैं जी। आपके लोग जो है कार्यकर्ता तमाम, ये लोग कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी वर्सेस पल्लवी पटेल का मुकाबला होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या लगता है, जीत के निकलेंगी? जी जी, जीत जाएंगे। देखिए, मामला ये है कि भावनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक एक रंग में चढ़ गया है। माँ गंगा ने बुलाया था नरेंद्र मोदी जी को, 20,000 करोड़ रुपया का अडानी को टेंडर दिया गया और वो 20,000 करोड़ अपने माँ के नाम पर खा गई भाजपा सरकार। हम अपने बहन को झांसी की रानी के रूप में लाना चाहते हैं। तमाम भाइयों को रोजगार का सवाल है, तमाम बेटियों के आबरू का सवाल है। अभी देखिए, बीएचयू में एक छात्रा को नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में परसों रात को 1:30 बजे जबरदस्ती घसीटा जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं और उसका वीडियो बनाया जाता है। अब बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी जी के मुँह से अब सुनने में अच्छा लगता है? हमारी बेटियाँ खतरे में हैं, हमारी खेती खतरे में है, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने बनारस के आबरू और अपने उत्तर प्रदेश की जनता के हर एक रोजी रोटी के लिए लड़ते रह जाएंगे। यही अपना दल का मेरावादी का सिद्धांत है और यही अपना दल का मेरावादी की पहचान है। तो इस तरह देखा कि अपना दल का मेरावादी के जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि झांसी की रानी को लाने की जरूरत है बनारस में। और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी बनारस से की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। अब खबर बहराइच से है, जहां थाना विशेश्वर दिन इलाके संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद हुआ है और परिजनों का इस मामले पर कहना है कि वो हर रोज की तरह अपने काम पर निकले थे। सत्यदेव पेशे से वाहन चलाते थे, वो भाड़ा गाड़ी से सवारी ढोने का काम करते थे। वो रोज की तरह ही अपने काम पर लौट गए मगर लौट कर घर नहीं आए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर में एमपी एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने खुर्जा के पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया को जेल भेज दिया है। चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में न्यायालय में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे और हाजिर होने पर अदालत ने यह कार्रवाई की है। हरदोई शाजापुर हाईवे पर मॉर्निंग वॉक पर निकले होमगार्ड को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी है और उसे दूर तक घसीट ले गई है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं नगरे कंपनी में तैनात होमगार्ड की मौत होने से महकमे में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। देहात कोतवाली इलाके में शाहजहांपुर रोड पर कोरिया के पास की घटना है। वे आनंद पाल की ड्यूटी सदर के यहाँ ड्यूटी थी, दिनांक 3/11/2023 को रात्रि ड्यूटी करने के बाद अपने घर वापस गए। सुबह घर से
रोड पर टहलने हेतु निकले थे, वहीं शाहजहाँपुर रोड पर ट्रैक्टर एजेंसी के पास अज्ञात बस द्वारा इन्हें जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसे पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अब खबर झांसी से है, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर पुल पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पुलिस की व्यवस्था फेल हो गई है और 5 घंटे गाड़ी में फंसे घायल तड़पते रहे, लेकिन उनको पुलिस निकालने में असमर्थ रही। आरोप है कि सूचना के 1.5 घंटे बाद चिरगांव पुलिस पहुंची और गाड़ियों में बैठकर तमाशा देखती रही। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा, पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद भीड़ की मदद से पुलिस ने करीब 5 घंटे बाद गाड़ी में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वही चिकित्सकों के कार के चालक अरविंद को फिलहाल मृत घोषित कर दिया है। चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर पुल के पास एक कंटेनर और इको गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोग सवार थे इको गाड़ी में, तो एक की उसमें मृत्यु हुई है, 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।